सो करवा चौथ का मौका है, ऐसे में सरगी का सभी को इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपको सरगी नहीं मिली है। कितना कितना उदासी भरा ये चीज़ आपके लिए है? एक्चुअली सास की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन दादी सास की तरफ से मिली है, तो खट्टी मीठी सी सरगी है। मतलब दादी सास ने कहीं ना कहीं मान रख लिया और उन्होंने वो सरगी दी जो उन्हें पहली बार मिली थी, और माँ ने नहीं दी, यानी मेरी सास ने, विद्या माँ ने नहीं दी। उन्होंने बोला मैंने सिर्फ एक ही बहू के लिए बनाया, तो बुरा लग रहा है, बट एटलीस्ट सरगी तो मिल गई। खैर सरगी भले ही ना मिली हो, लेकिन अरमान का प्यार बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिला है, क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली सरगी नहीं, दादी सा ने शगुन दिया था। मैं बार बार सरगी बोल रही हूँ, बट दादी सा ने शगुन दिया था, साड़ी ज्वेलरी वगैरह। सरगी अरमान मुझे देता है, जब मैं घर आउट हाउस जाती हूँ तो अरमान मुझे सरगी देता है, जिसमें आइसक्रीम है, टोस्ट है और प्रोटीन बार है, तो ये सारी चीज़ें। चलिए, सरगी ना सही पर अरमान की तरफ से प्यार ढेर सारा मिल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सरगी बनाई है। बहुत सारा प्यार मिल रहा है अरमान ने, एक्चुअली टोस्ट, आइसक्रीम और प्रोटीन बार, ये तीनों चीज़ें दी हैं, तो बहुत अच्छा एफर्ट है। उसने एक्सप्लेन भी किया कि खीर बनाने की कोशिश की, नहीं बनी, पूरी बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं बनी, तो खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड प्लस उनका भी व्रत है, मेरा भी व्रत होगा, तो उन्होंने ये। तो जैसे कि हम सब जानते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, और ये बात आपने अभी तक अरमान से और सभी से छुपा कर रखी है, तो इस हाल में अगर आप व्रत रखेंगी तो? आई नो, डॉक्टर ने बोला है कि व्रत तो नहीं रख सकते, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, प्लस ऐसा लग रहा है व्रत नहीं रखूँगी तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा अरमान से कि मैं व्रत रख रही हूँ, पूरी फैमिली से झूठ बोलना पड़ेगा, बट अब बच्चे के लिए एनी वे कॉम्प्लिकेशन है, और व्रत रखूँगी तो मतलब माँ भूखी है तो बच्चा भी भूखा रहेगा, तो आई थिंक लेट्स सी अभीरा क्या करती है। अरमान को कब बताने वाली है? सोचा तो है कि जस्ट करवा चौथ के बाद बता देगी, बट करवा चौथ पे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। ये तो हुई करवा चौथ शो की बात, लेकिन पर्सनली कुछ यादें हैं जो करवा चौथ की? करवा चौथ की नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। मम्मी करवा चौथ रखती हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इन माई फैमिली। हाँ, बट वही है कि हम लोग टेरिस पे जाते थे और मम्मी लेके जाती थी चांद देखना, और हम मम्मी पापा को देख रहे होते थे क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आता था, बट बहुत अच्छा लगता था मम्मी को पूरी सुहागन वाले रूप में देखना। साल में एक बार ही मिलती हैं वो ऐसे देखने। मेहंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी करवा चौथ पर मेहंदी आपने लगाई? मैं क्यों लगाऊँ? नहीं, मेहंदी का शौक है मुझे, बट आई नो ऐसे बहुत सारे अनमैरिड लोग भी रखते हैं करवा चौथ, बट मैं उस स्कूल से नहीं हूँ तो मैंने नहीं रखा। मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए रखूँगी, जिससे शादी करूँगी उसी के लिए रखूँगी। ऐसा नहीं है कि जिसको जिन जिन के साथ में अपना किस्सा चला उन उनके साथ में है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।